GlitzVision. Thank you. Answer मिल रहा होता है कि हमने आपको reality shows में देखा, singing shows में देखा, acting में देखा, but I think शायद ही किसी ने expect किया होगा कि आप ऐसे show हैं जिनके रात में आएंगे, नहीं और comedy करते हुए दिखाते हैं all that stuff. जी. What was the reason to choose this show? What was the reason? पता नहीं, हर कुछ किसी भी चीज़ को चूज़ करने का रीज़न नहीं होता है. कभी कभी क्या होता है कि हमें काम ऑफर होता रहता है. टच वुड, यू नो, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम फॉर्चुनेट कि वो फिल्में हो या म्यूज़िक हो या वो टेलीविजन हो, मुझे काम ऑफर करते रहते हैं लोग, विच इज़ अ ब्लेसिंग. यू नो, आज के टाइम पे इतना सारा कॉम्पिटिशन है, यू नो, लोग 5 मिनट कहीं आने को तरसते हैं. ऐसे में यू नो वी आर सक्सेसफुल इनफ एंड वी आर कंसिडर्ड वर्दी इनफ ऑफ सो मच वर्क. तो ऐसा ही एक शो कलर्स और ऑप्टिमिस्टिक्स मेरे पास लेकर आए, जिसका नाम था एंटरटेनमेंट की रात. और बस वो एक मीटिंग में जो इन्होंने मुझसे बात की और जो इस शो का कॉन्सेप्ट को समझाया मुझे, मुझे बहुत मज़ा आया. और ऐसा लगा कि एक हर इंसान अपने इंस्टिंक्ट के साथ, यू नो, इंस्टिंक्ट को ट्रस्ट करता है. तो मेरे इंस्टिंक्ट ने कहीं ना कहीं मुझे कहा कि नहीं, डेफिनेटली इस शो का हिस्सा बनना है. एवरीथिंग इज चैलेंजिंग, एनी काइंड ऑफ वर्क इज चैलेंजिंग. और कुछ नया करना है तो स्पेशली उसमें बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. यू नो, रैप इटसेल्फ इज अ डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट एस्पेक्ट एंड जॉनर ऑफ म्यूजिक. तो उसमें एक अलग स्पेशलाइजेशन होनी है हमारी, स्पेशली जब हमारे विरुद्ध अपोनेंट्स होंगे और सब रैप बैटल्स होंगी. तो यू नो, टू गेट दैट फ्लो इट्स क्वाइट चैलेंजिंग. और फिर उसमें आपको वर्ड्स फिट करने हैं और उन्हें राइम करना है एक पोइट्री की तरह, और उसे एंटरटेनिंग भी बनाना है. सो ऑल इन ऑल चैलेंजिंग है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है. यू नो, जब आप इस शो को देखेंगे, और ओवरऑल द शो इज़ अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट. इट्स ऑल द पीपल, ऑल योर फ्रेंडली नेबरहुड सुपरस्टार्स, बी इट रेडियो और टेलीविजन और यू नो म्यूजिक रियलिटी शो फॉर दैट मैटर, एवरीवन कमिंग टुगेदर और एक अलग पहलू अपने आर्ट का और अपनी आर्टिस्ट्री का आपके सामने दिखाएंगे. जी जी, तो आप पे कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप लोगों पे, यू नो. देखिए, एंटरटेनमेंट करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू नो, हमने बचपन में ऐसा सोचा नहीं था कि यार इतना इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होगा. बट अब तो मज़ा आने लगा है. यू नो, नाउ वी नो दैट दिस इज़ आवर जॉब. एंड इनफैक्ट कॉमेडी एंड एंटरटेनमेंट, ये दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट थिंग्स टू एग्जीक्यूट. लोगों को हंसाना या उन्हें एंटरटेन करना बहुत मुश्किल काम होता है. और इसीलिए शायद हमें, यू नो, ठीक ठाक पैसे दिए जाते हैं इतना सा काम करने के लिए, क्योंकि लोग जब आते हैं, हमारे दर्शक जो होते हैं, हमारे इंडियन व्यूअर्स जो इतनी मेहनत करते हैं पूरा दिन, थक हारे घर पे आते हैं बीवी के साथ या बीवी बच्चों के साथ, नाना नानी के साथ, उनको मुश्किल से वो 1.5 घंटे मिलते हैं जहाँ पे खाना भी है और बातें भी करनी और टीवी भी देखना है. तो आई थिंक दिस इज़ वन शो के पूरा परिवार मिलके एंजॉय कर सकता है. और देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन. अच्छा, फ्रेंड्स फैमिली स्पेशली आपके डैड का क्या रिएक्शन था, अगर उन्होंने कुछ एपिसोड देखे या आपने बताया हो कि ऐसा ऐसा है, तो क्या रिएक्शन है? पापा इज ऑलवेज वेरी सपोर्टिव. मम्मी पापा बहुत सपोर्टिव है, बहुत स्वीट है. और बस वो खुश है कि लड़का अच्छा कर रहा है, काम कर रहा है, अपने पैसे कमा रहा है, घर चला रहा है. टच वुड लगे हाथ, यू नो, विथ वर्क कम्स यू नो प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, फैन फॉलोइंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. सो उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है. बस थोड़ा कम मुलाकात होती है आजकल, क्योंकि थोड़े व्यस्त हो गए हैं. लेकिन एट द सेम टाइम, यू नो, दे आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ मी एंड आई एम extremely lucky to have such supportive parents. Right. So last question, मैंने कितना मजा आ रहा, especially you know, जो आपने जितने भी episode shoot किए हैं, तो आपको किनके साथ सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? सब अपने दोस्त यार बन गए हैं. कुछ एक आध एपिसोड के बाद जुड़े हैं, कुछ से पहले मुलाकात हो गई, प्रोमो शूट से वक्त से हम क्लिक कर गए. जैसे रवि भाई और हमारा, आपने प्रोमो देखा होगा, तो सबसे पहले उनके साथ हमें टाइम स्पेंड करने को मिला. साथ ही में हमारी दीपिका भी थी उसमें, सो वी गॉट टू स्पेंड सम टाइम टुगेदर. और साथ ही साथ यहाँ पे
आशा है और करण है जो जिनको मैं पहले से जानता हूँ, हमारे दोस्त हैं, अब हमारी दोस्ती और गहरी हो जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा काम करने के लिए बहुत अच्छा दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। वो जो एक ट्रांसपेरेंसी, एक ओपननेस होती है, क्योंकि आर्ट इज़ वेरी रिसेप्टिव। कुछ लेन देन जब तक नहीं होती है तब तक वो मज़ा नहीं आता, तब तक वो एक्सप्लोजन नहीं होती है एनर्जी की। सो एक बहुत अच्छी ट्यूनिंग बन गई है, वो राघव हो या मलिष्का हो, यू नो देयर ऑल, और सब इतने अपने अपने धुरंधर हैं अपनी फील्ड में, यू नो सब प्रोफेशनल हैं, टाइम पे आते हैं और हम सब मेहनत करते हैं। और बस यही हमें हमारी यही एक कोशिश है कि हम सब मिलजुल कर एक जो खिचड़ी पकेगी एक घंटे की, हर सैटरडे संडे को 10 से 11 बजे आपको कलश को देखने को मिले और आप फिर उसे चक्के फिर और आप कहीं नहीं जाएं एक घंटे बस एंजॉय करें। अदिति इतना चाहेंगे कि वापस हम आपको म्यूजिक से रियलिटी शो या फिर गाने कब हम वापस प्रोसेस से देखते हैं? नहीं देखिए, म्यूजिक में चली रहा है, गाड़ी चली रही है, बस यही है कि क्या है, आई थिंक दैट स्पेशली इन द मीडिया, और ये बहुत ऑनेस्ट बात है कि आपका सिर्फ जब आप किसी क्षेत्र में बेस्ट होते हैं तब आपकी चर्चा होती है, या सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं तब आपकी चर्चा होती है। तो आज वो सक्सेस मुझे टेलीविजन में मिल चुका है, टचवुड, यू नो, ओवर द लास्ट 10 ईयर्स होस्टिंग द प्रीमियर म्यूजिक रियलिटी शो ऑन टेलीविजन, वो फैन फॉलोइंग, वो प्यार वो आप लोगों ने मुझे दिया है। बस वही है कि गाड़ी तो चल चुकी है, गाने मैंने बॉलीवुड में गाने शुरू भी कर दिए हैं और साथ ही साथ स्ट्रगल भी होती है। बस ये एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं कि अरे उदित नारायण के लड़के हैं, यू नो ही इज़ डन सो वेल। बस मैं यही कहूँगा कि उनको भी समय लगा, मुझे भी समय लगेगा, बट स्लो एंड स्टडी डेफिनेटली आपका प्यार आशीर्वाद हमारे साथ है। और जैसा मैंने कहा कि अभी तो क्या बोलते हैं, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हाय फैंस, नमस्ते, और मुझे बहुत एक्साइटमेंट हो रही है आपको ये बताते हुए कि अगर आप मुझे टेलीविजन पर मिस कर रहे थे तो मैंने आपको ज़्यादा समय नहीं दिया है, 3 हफ्ते के अंदर अंदर मैं एक नए चैनल पे एक नए शो में आपको नज़र आऊँगा और कई सारे सुपरस्टार्स के साथ एंटरटेनमेंट की रात में 18 नवंबर से हर शनिवार और रविवार रात 10 से 11 बजे तक आप देखेंगे एंटरटेनमेंट की रात। हाय, दिस इज रिधि डोगरा, यू आर वाचिंग मी ऑन ग्लिट्स विजन, डू फॉलो द चैनल।